प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर फरीदाबाद से। आपको बता दें कि फरीदाबाद में मोहब्ताबाद गांव में मंदिर के परिसर में तेंदुए के देखे जाने की खबर है। और आपको बता दें कि ये तेंदुआ CCTV कैमरे में कैद हुआ है। जानकारी के मुताबिक मोहब्ताबाद गांव की पहाड़ी में ये मंदिर बना हुआ है और इसी मंदिर के परिसर में ये तेंदुआ देखा गया है। CCTV की इन तस्वीरों में आप तेंदुए को देख सकते हैं और तेंदुए के देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से मंदिर के परिसर में तेंदुए के देखे जाने की ये सूचना मिली है और जानकारी के मुताबिक ये तेंदुआ कई जानवरों को अब तक नुकसान भी पहुंचा चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो फरीदाबाद से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि फरीदाबाद में मोहब्ताबाद गांव में मंदिर के परिसर में तेंदुए के देखे जाने की ये सूचना मिली है। CCTV कैमरे में ये तेंदुआ कैद भी हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि मोहब्ताबाद गांव की पहाड़ी में ये मंदिर बना हुआ है और इसी मंदिर के परिसर में ये तेंदुआ देखा गया जो कि CCTV कैमरे में भी कैद हुआ है। तेंदुए के देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और बीते कई दिनों से मंदिर के परिसर में तेंदुए के देखे जाने की सूचना मिलती रही है। और आपको बता दें कि ये तेंदुआ कई जानवरों को नुकसान भी पहुंचा चुका है। ये हमारे झरना मंदिर की तस्वीर है। वहाँ पे रात के समय आता है और करीबन 3 दिन से लगातार आ रहा है। अच्छा। और इससे हमारे गांव में डर का माहौल है बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने फॉरेस्ट विभाग से भी बोला जी, तो उन्होंने बोला है कि हमें 4 किलोमीटर दायरे का जी वहाँ पे कोई भी रहवास नहीं होनी चाहिए जब हम उसको पकड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ये तो मंदिर तक आ जा रहा है, वहाँ तो लोग रहते हैं, 4 किलोमीटर पे, मंदिर पे तो रहते हैं, दिन रात लोग रहते हैं, पर लेकिन इस अब फिलहाल बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है जी। वहाँ पे लगातार 3 दिन से लगातार आ रहे। अभी किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा है वहाँ पे? अभी किसी बंदे को नुकसान नहीं है, पर लेकिन वहाँ 2-3 पिल्ले वगैरह हैं, वो उसने उठा लिया रात में। अच्छा। जानवर पर हमला कर दिया? जानवर पर हमला, वो पहाड़ से उतरता है रात में जी, और रात में जैसे ही शोर शराबा हुआ, परसों अभी मेरी फोन पे बात हुई थी जो झरना मंदिर के पुजारी है उनसे बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि हमें जैसे शोर शराबा दिखा तो उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी जी, तो वो गए जैसे शोर शराबा, उसने दहाड़ मारी तो वो बोल रहे थे कि भाई अभी दहाड़ मारी तो हम उल्टे हाथ पीछे आ गए। हाँ, तो उन्होंने कैमरे चेक करे तो आगे कैमरे में कैद आया। ठीक है, अभी सूचना दे दी है प्रशासन को आप लोगों ने? हाँ। कितनी पुरानी वीडियो है ये बताएं? ये 15 तारीख की है, 16 तारीख की है, 17 तारीख की, तीनों दिन लगातार देखा गया। हाँ, लगातार। माल 4 दिन से आ रहा जी। 3-4 दिन से आ रहा है? हाँ जी। झरना मंदिर है हमारे वहाँ के, तो रोड पे आते तो पानी के लिए जज झाँकते है ना, तो गाय पे चोट कर दी उन्होंने, कैन पे कई गाय पे चोट की उन्होंने। हाँ जी। तो इस बाबत आपने प्रशासन लोगों को? हमने कंप्लेंट कर दी, कर रखी है। हाँ जी। तो लोग गाँव में डर का माहौल है? हाँ, माहौल ज़्यादा फैल रहा है, डर रहा है, डर रहा है। अगर नहीं पकड़ेगा तो लगता है कोई हमला कर देगा किसी पे, इंसान पे भी कर सकता है? कर सकता है। तो आप लोग कैसे एहतियात बरत रहे हैं रात में जैसे निकल रही है? वो तो बैटरी के साथ चलना पड़ता है, जैसे उजाड़े करना पड़ रहा है। इतना साफ, इतना साफ, यकीन नहीं होता, वाओ, इसके बर्तन तो हमेशा नए लगते हैं। ये है विस्मा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का कमाल, सुरक्षा 100% और सफाई बेमिसाल, हर माँ की पसंद विस्मा।